तो 50 से लेकर 90 तक के लिए बताया गया है। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि जब इंडिया आजाद हो गया था 1950 के टाइम पे, तो पहले तो हमको ये समझना था कि हम कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट करेंगे। उसमें कई सारे हमारे पास ऑप्शन थे, जैसे कि एक सोशलिज्म वाला हो गया आपका, ठीक है, उसमें ये था। लेकिन कि सोशलिज्म जो सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पे गवर्नमेंट ओन करती है सब चीजों को और प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ऐसा मॉडल बिल्कुल नहीं अपना सकते थे हम लोग। फिर हमने देखा कैपिटलिज्म की तरफ, लेकिन कैपिटलिज्म भी ऐसा मॉडल है जहां पे इकोनॉमी पूरी डिमांड पे चलती है, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी बेसिस पे होता है कि कितना लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बल इस बेसिस पे नहीं होता है कि लोगों को जरूरत क्या है। तो ऐसी भी हम लोग मॉडल नहीं अपना सकते थे इकोनॉमिक, तो इसीलिए फाइनली हमने फिर मिक्सड वाला इकोनॉमी वाला मॉडल अपनाया। और यही सब चीजें रिफ्लेक्ट भी होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 से और प्लस डीपीएसपी से, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो पहले हमने अपना मॉडल अपना लिया, फिर प्लानिंग करना चालू की। प्लानिंग का मतलब होता है जो भी नेशन में जो रिसोर्सेज हैं, जो भी राष्ट्र में आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूज करें ताकि जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब डेवलपमेंट हो सके, सबके पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, गरीबी हट सके, ये जो भी ये बोल बचन होते हैं, ये सब चीजों को कैसे कर सके। तो ये हो गया प्लानिंग। फिर हमने 5 साल की प्लानिंग चालू की, नीति आयोग बना दिया। खैर अभी लेटेस्ट तो वो नीति आयोग खत्म कर दिया है, अब उसमें थिंक टैंक बनाने की बातें चल रही हैं और वो सब चीजें चल रही हैं। फिर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती थी उस टाइम पे, परस्पेक्टिव प्लान जिसको बोलते हैं, यानी कि परिप्रेक्ष्यात्मक योजना, ठीक है। फिर इसमें ये हमने समझा कि देखिए जो प्लानिंग के गोल क्या क्या है, 4 गोल है मेन। तो एक होता है ग्रोथ यानी कि समृद्धि, एक होता है मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण, फिर सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, और इक्विटी यानी कि समानता। अब देखिए इसमें ये है कि जो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा उतना ज्यादा लोगों को पास, मतलब देखिए जीडीपी का मतलब है फाइनल गुड्स और सर्विसेज। तो मतलब जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब इंडिया में लोगों के पास टोटल मिला के जो रिसोर्सेज है वो बढ़ रहा है। तो एक माना ऐसा जाता है इकोनॉमिक वे में कि जितनी जीडीपी ग्रोथ होगी उतना फायदा मिलेगा सभी लोगों को। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया मॉडर्नाइजेशन, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज करो। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि देखिए एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्लस ये भी है कि जो मॉडर्न आइडियाज होते हैं जैसे कि महिलाएं बराबर है हमारे, वो भी काम करना चाहिए उनको भी, इससे इंडिया की इकोनॉमी में उनका भी इनपुट आएगा तो और ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर तीसरी चीज है जो गोल था 5 ईयर प्लान का, वो था सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। हम देखिए नए नए आजाद हुए थे तो हम किसी विदेशी ताकत पर डिपेंड नहीं हो सकते थे, और पहले के जो 7 प्लान है इसीलिए उनको उन्होंने फोकस किया है पूरा कि सेल्फ रिलायंस हम लोग कर लें, मतलब हमको किसी भी चीजों के लिए, खाने के लिए या फिर कोई और चीजों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। और एक ये भी डर था क्योंकि अगर हम देखिए नया नया आजाद हुए थे और फिर भी हम किसी पर डिपेंडेंट अगर होते रहते तो फिर वो लोग हमारा गलत फायदा उठा सकते थे, हम पे प्रेशर डाल सकते थे, ये सब चीजें। और चौथा होता है गोल 5 ईयर प्लानिंग का, इक्विटी यानी कि समानता। मतलब मेन तो प्लानिंग का पर्पज है वो होता है कि आप इनइक्वालिटीज जो भी प्रिवेल्ड हैं इस समय सोसाइटी में उनको खत्म कर सकें। और वो खत्म कैसे होंगी, वो खत्म ऐसे होंगी कि आप जितने ज्यादा आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जो गरीब लोग हैं उनको भी किसी तरह से सपोर्ट मिलेगा, वो भी ऊपर आएंगे। तो ये सब चीजें 4 गोल है मेन। देखिए एक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है महाला नोबिस करके हैं ये, इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये वाला जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो एक्चुअल प्लानिंग हमारी चालू हुई थी सेकंड 5 ईयर प्लान से चालू हुई थी, और बेसिक आइडियाज जो प्लानिंग के थे योजना के वो सब इन्हीं ने दिए थे। इनको फेलोशिप मिल चुकी ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी की, प्लस ये इन्होंने ये ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था, प्लस एक संख्या नाम का जर्नल भी स्टार्ट किया था, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। फिर ये अगर आप देखें तो ये जैसे कोई भी कंट्री का अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो कैसे होता है कि पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो करती है, ठीक है, लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे ये डिपेंडेंट रहते हैं, वही ज्यादातर जीडीपी को सपोर्ट करता है। फिर जैसे जैसे वो इंडस्ट्रियलाइज होता है तो इंडस्ट्री का शेयर बढ़ता जाता है। फिर और जो तीसरी स्टेज है जो इस समय डेवलप्ड कंट्रीज की है, वो लोग सर्विस इंडस्ट्री पे ज्यादातर फोकस करते हैं, मतलब ज्यादातर उनकी जीडीपी का जो हिस्सा है वो सर्विस से आता है। लेकिन इंडिया में केस थोड़ा दूसरा है, इंडिया में
देखिए 1950s के टाइम पे एग्रीकल्चर पे लगभग 70% से ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे, और काफी ज्यादा जीडीपी का भी जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आता था, 50% से ज्यादा। अब जो ये होना ये चाहिए कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटे और जो लोग वहां पे डिपेंडेंट है वो भी घटे, लेकिन इंडिया में ये नहीं हुआ। इंडिया में ये हुआ कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो घट गया लेकिन लोग नहीं घटे, मतलब ज्यादा लोग वहां पे लगे रहे, 50% तो अभी भी है करीबन। और इंडिया ने जो बीच वाली स्टेज है वो उसको एकदम से क्रॉस कर दिया, बाईपास कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर से पहले इंडस्ट्री में आना चाहिए लेकिन एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम लोग सर्विसेज पे आ गए। तो ये सब चीजें थी। अब देखिए कृषि की बात की गई है यहाँ पे, फिर एग्रीकल्चर वाले उसमें, कि कृषि में क्या था कॉलोनियल टाइम पे, तो फिर कोई एक इक्विटी थी नहीं, ना कोई ग्रोथ हुआ था ऐसा, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी, वो मैंने पहले चैप्टर में बताया था आपको क्या क्या रीजंस थे उसके। लेकिन फिर अब गवर्नमेंट तो हमारी है, ये अब इंडिया की गवर्नमेंट है, तो इनको ये सब चीजें एग्रीकल्चर में जो भी रिफॉर्म्स लाने थे वो सबसे जरूरी थे। सबसे पहले तो ये था, सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म, क्योंकि ज्यादातर जो आजादी के बाद सब ये इंटरमीडिएटरीज थे, जो ये बिचौलिए थे, इन्हीं पे डिपेंडेंट थे ये लोग, लोगों से काम कराते थे और उनको कोई ऐसे मेहनताना भी नहीं देते थे, और प्लस सब कुछ ऐसे ही जो भी प्रोड्यूस होता था उसको मनमाने रेट पे ये ले लेते थे। तो ये सब चीजें थी। तो पहले लैंड रिफॉर्म किए गए, इंटरमीडिएटरीज को रिमूव करने की कोशिश की गई, उसके लिए लैंड सीलिंग लगा दी गई कि एक एक पर्टिकुलर उसमें रख दिया गया कि आप इतनी से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है कोई भी। अब लेकिन उसमें इंडिया में है आप जानते हैं, तो इंडिया में हर कानून के लूप होल्स लोग ढूंढ लेते हैं, और लैंड रिफॉर्म के भी लूप होल ढूंढे और लैंड सीलिंग के भी। तो उन्होंने क्या किया कि वो केस कर दिया सरकार के खिलाफ, और ज्यादा से ज्यादा केस में जब तक सरकार फंसी रही, फिर तब तक इन्होंने अपने जो भी इनके जान पहचान वाले थे, भाई बंधु रिलेटिव, उनके नाम पे जमीन ट्रांसफर कर दी, ताकि लैंड सीलिंग वाली जो चीजें उससे बची जा सके। लो प्रोडक्टिविटी के रीजन आपको पता ही है कि क्या क्या लो प्रोडक्टिविटी के रीजन थे, कभी टेक्नोलॉजी पे हमने बल नहीं दिया, इरिगेशन पे फैसिलिटी पे बल नहीं दिया गया, और प्लस ज्यादातर जो लोग हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, और वो सब समस्याएं थी। ठीक है, फिर अब ये है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ओनरशिप ये दी गई, मतलब ओनरशिप और इंटेंसिव वाला इंसेंटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है बॉक्स 2.5 में लिखा है, उसमें एक पॉलिसी होती है कि लैंड टू द टिलर की, जो उसकी जोत करेगा, जो उसको खेत पूरा मतलब खेती वाली प्रोसेस करेगा उसी को लैंड मिलना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसको ओनरशिप दे दी जाएगी तो वो उसका खुद का हो जाएगा, तो उसको लगेगा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, और अपनी समझ के यूज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा काम करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा और क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए तो सब लोग काम करते ही हैं। तो ये वाली सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म का बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल हुआ है केरला और वेस्ट बंगाल में। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की गई कि देखिए जब आजादी के टाइम पे 75% करीबन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और उसका मेन तो रीजन आपको पता ही है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज और वो सब चीजें, और ज्यादातर जो इंडिया की ये एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, और 1960s 1970s में आपको पता ही होगा कि इतने सारे अकाल पड़े थे और वो सब चीजें हुई थी, इवन इंडिया ने फूड भी इम्पोर्ट किया था यूएस से। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमको लगा कि नहीं, सेल्फ रिलायंस हमको बढ़ाना चाहिए, और ग्रीन रिवोल्यूशन ने वो पूरा किया। हाई यील्ड वेराइटी के बीज लाए गए, प्लस उनको ज्यादा से ज्यादा उनको सिंचाई वाले साधन दिए गए और उनपे फर्टिलाइजर डाला गया, तो ये सब चीजें हुई। लेकिन अब इसमें भी ये है कि देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन ने प्रोडक्शन तो इंडिया का बढ़ा दिया, सेल्फ रिलायंस हमको कर दिया, लेकिन जो इसका मेन बेनिफिट है वो सिर्फ अमीर लोग ले पाए, क्योंकि अमीर जो किसान है वही इसको यूज कर सकते थे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए किस एक मार्केटेड सरप्लस का मतलब ये है कि देखिए अगर किसान चाहे जितना भी उगा ले, जब तक वो मार्केट में नहीं लाएगा तब तक तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब तब तक इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होगा कुल मिला के। तो इसीलिए फिर मतलब लोगों को जो स्मॉल फार्मर्स है उनको भी कुल मिला के गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, बैंक से लोन दिलाना चालू किए, तो वो लोगों ने भी फिर कुल मिला के मार्केट में बेचना चालू किया, क्योंकि वो लोग भी इतने मतलब उनपे भी इतना सा बोझ नहीं पड़ा, तो उन लोगों ने मार्केट में भेजा और कुल मिला के जो प्राइसेस है वो सब कम हुए। तो ये सब चीजें हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि प्रोज और कॉन्स दोनों क्या क्या है। गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दिया था, लेकिन फिर भी रीजनल डिस्पैरिटी तो हो ही गई थी, पंजाब और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, बस कुछ ऐसे रीजन थे, प्लस वेस्ट यूपी
जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे हुए थे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन जो फायदा हुआ था क्रॉप कौन कौन सी थी, राइस और वीट। फिर सब्सिडी की डिबेट चली है, इसमें सब्सिडी के बारे में बताया गया, कुछ लोग प्रो में बोल रहे हैं कुछ लोग कॉन्स में। जो फेवर में वो कह रहे हैं कि नहीं सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि जो छोटा किसान है उसके पास तो कुछ पैसे नहीं है, वो कैसे इनके फायदे लेगा, कैसे बीज खरीदेगा, कैसे वो इरिगेशन लाएगा, कैसे और जो भी खेती के लिए सामग्री चाहिए या फिर न्यू टेक्नोलॉजी, वो सब कैसे उनको कम्पीट कर सकता है अगर फर्टिलाइज, अगर ये सब आपने सब्सिडी नहीं दी। जो लोग अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्री में सब चीज दोगे तो फिर ये लोग को आदत हो जाती है, ऐसी ऐसी प्रवृत्ति होती है इंसान की। और प्लस ये भी है कि जैसे अगर आपने फ्री में देना चालू किया तो वो लोग मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और उस पर कोई प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं काम करते हैं। लेकिन फिर प्रो वाले फिर वो भी बोलते हैं कि अगर इनइक्वालिटी हटानी है आपको तो इसकी बहुत जरूरी है सब्सिडी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दोगे उसमें तो ज्यादा छोटे किसान आएंगे, और इंडिया में तो 90% से ज्यादा छोटे ही किसान है ना। फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि जो कॉल्स वाले हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्सिडी ज्यादातर बेनिफिट करती है किसको, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, और प्लस जो बड़े किसान है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आप सब्सिडी मत खत्म करो, लेकिन उसको टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचा दो, और ये जो बीच वाले लोग हैं ये लोग खा रहे हैं इनको किसी तरह हटा दो बस। तो ये सब चीजें हैं। और सब्सिडी से एक ये भी है कि सब्सिडी से ये नहीं पता चल पाता है कि जो सप्लाई गुड्स की वो हो ठीक से कि नहीं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपको देखिए प्राइजेस और सिग्नल का ये मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब ये है कि वहां पे जो चीज मार्केट में कम है, और अगर प्राइस घट रहा है मतलब वो चीज मार्केट में ज्यादा है। लेकिन अगर आपने सब्सिडी दे दी और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं और आपने सब्सिडी दे दी, तो उनको क्या पता कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्राइस हैं, या फिर वाटर में सब्सिडी दे दी, तो इसीलिए वो लोग अंधाधुंध यूज करने लगते हैं। तो ये सब चीजें बताई गई। फिर लास्ट में ये बताया गया है कि ये जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटा है, लेकिन जो नंबर है मतलब वहां पे जितने लोगों को एग्रीकल्चर जो है कृषि रोजगार देता है वो नहीं घटा, और ये हमारी पॉलिसी जो 1950 से लेकर 1990 तक ये सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है, इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में बताया गया है कि कोई भी इकोनॉमी तभी डेवलप हो सकती है, डेवलपिंग वाली, जब उसका अच्छा इंडस्ट्रियल बेस हो, और उसी के लिए फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ये सब लाई गई। ठीक है, फिर ये भी बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी जरूरी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी जरूरी है। ठीक है, उस टाइम पे जब आजादी थी तो कई सारे हमारे जो कैपिटल वाले थे लोग, मतलब जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज थे, बहुत ज्यादा उनके पास ना कैपिटल थी और ना बहुत बड़ी मार्केट थी, तो इसीलिए फिर ये समझा गया कि उनको भी सपोर्ट देना चाहिए सरकार को, और अगर ये इंडिया की मिक्स इकोनॉमी को करना है दोनों साथ मिलके चलेंगे। फिर उसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया 1956 में। तीन टाइप की इंडस्ट्री बना दी गई, उसमें एक थी कि स्टेट कंट्रोल करेगी, एक थी जिसमें प्राइवेट का रहेगा लेकिन मेजर पार्ट उसमें मतलब कुल मिला के स्टेट के अंडर ही रहेगा, और तीसरा वाला था जो प्राइवेट थी उसमें भी लेकिन लाइसेंस राज और वो सब चीजें चलती रही। लाइसेंस राज का एक ये प्रूफ पॉइंट है यहाँ पे कि भैया जी ऐसा है कि लाइसेंस इसलिए देते हैं कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री उनको बचाया जा सके और रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। उस पर भी बहुत सारे फिर तो आप पूरा आर्गूमेंट कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है कार्वे कमिटी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देती है। ठीक है, और ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए इनको शील्ड करने की जरूरत है, इसीलिए इनको इसमें लाइसेंस देने की जरूरत है कि मतलब सरकार जिसको चाहे अगर वो लोग ये मतलब कुल मिला के इनको जितना प्रमोट करो उतना अच्छा है। ट्रेड पॉलिसी थी हमारी शुरू में इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की, बस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, और कुल मिला के एक्सपोर्ट पे हम फोकस नहीं करते थे, बस ये सोचते थे कि इंपोर्ट को किसी तरह सब्स्टिट्यूट कर लो, और इसीलिए फिर हम प्रोटेक्ट करते थे अपनी इंडस्ट्री को, टैरिफ और कोटा लगा देते थे। टैरिफ का मतलब है जो इम्पोर्ट आ रहा है, बाहर से माल आ रहा है, उस पर ज्यादा टैक्स लगा दो ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए और लोग खरीदे ही नहीं उसको। ठीक है, और जो कोटा है मतलब सबका कोटा फिक्स कर दो कि मान लीजिए 10 कार आनी है, पहले 100 आ रही थी, आप बोल दो कि नहीं 10 ज्यादा नहीं ले सकते हो आप। तो ये सब चीजें हुई, और इसीलिए मतलब इन्हीं सब पे हम फोकस करते रहे, प्रोटेक्शन और लाइसेंस राज पे। कभी हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बल नहीं दिया, तो थोड़ा बहुत उससे फर्क भी पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में इम्प्रूवमेंट भी हुआ और ये सब चीजें हुई। और लेकिन ये है कि जो पूरा फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में भी मतलब हमने देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में बोला था कि पब्लिक सेक्टर देखिए ऐसा है कि इंडिया की जो मिक्स इकोनॉमी में है
मतलब प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उनको करने दो, जो वो लोग ठीक से कर सकती हैं, जो बाकी लोगों के लिए बहुत जरूरी है और जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो ठीक से काम नहीं कर सकती है, वो सब चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारी फिर क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का कि आपने टेली कम्युनिकेशन इतने दिन तक ले रखी थी और ये पब्लिक सेक्टर में, प्लस ये ब्रेड इंडस्ट्री, जबकि कोई ऐसी जरूरत भी नहीं थी। तो ये सब बातें कुल मिला के बताई गई हैं। और इन लाइसेंस राज का एक ये भी कौन है कि इसको जो बड़े इंडस्ट्रियलाइज है वो मिसयूज कर लेते थे गवर्नमेंट को पैसे खिला के, लॉबिंग करके, और प्लस इवन जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको नहीं आने देते थे। तो ये सब चीजें कुल मिला के बताई गई। कंक्लूजन यही है कि जो शुरू में हमारा ये सब लाइसेंस राज ये सब रहा और इसका मेन रीजन यही था, बाद में रिकैप किया हुआ है इसमें पूरा, वो आप देख लीजिएगा, कॉमन गोल्स मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव। तो ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 1950 से लेकर 1990 तक की पॉलिसी के बारे में बताया गया है। और ये था इकोनॉमी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 की पूरी समरी। ठीक है।